बीते दिनी मिस ट्राई सिटी 2021 फैशन शो रतन कॉलेज सेक्टर 78 मोहाली विखे करवाया गया। मिस ट्राई सिटी 2021 फैशन शो जो कि रतन कॉलेज दे विच होया, ए पेंडेमिक तो बाद पहला ऐसा फैशन शो सी जिथे स्टूडेंट्स नू अपना टैलेंट दिखाने दा मौका मिलिया, क्योंकि घर बैठ के लॉकडाउन दे दौरान बच्चों ने बहुत कुछ सीखिया। जो सीखिया सी उसनू दिखाने दे लई रतन कॉलेज दे विच होया ए फैशन शो एक बहुत वधिया मौका सी उन्हां सब विद्यार्थियों लई। इस फैशन शो दे विच डॉक्टर वंदना नरूला एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर पहुँचे। सारी टीम ने डॉक्टर वंदना नरूला जी नाल गलबात की जो कि चीफ गायनेकोलॉजिस्ट ने। एक बहुत ही वधिया जो फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जिदे विच टैलेंट जिहड़ा हैगा बच्चों का देखा जा रहा, और ट्राईसिटी की जी सब तो सुंदर लड़की है जिदे विच हर तरह के गुण ने जिदे विच टैलेंट हैगा उन्होंने इतने सम्मान किया गया, और उसदे विच तुसीं एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत की हैगी है, और तुहानूं चूज किया उन्होंने बींग चीफ गायनेकोलॉजिस्ट। और जिस तरीके दे नाल तुसीं पिछले लंबे समय तो काउंसलिंग तुहाडी जिहड़ी जिस तरीके दे नाल सेवावां दे विच तुसीं लगे हो गायनी दे विच, चाहे वह इनफर्टिलिटी के केस हो, चाहे वह हाई रिस्क प्रैगनेंसीज के केस हो, यू हैव डन अ लॉट, और उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने तुम्हें इतने सम्मान किया। देर आर सो मैनी डॉक्टर्स इन ट्राई सिटी बट दे हैव चूजन यू, की कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स जो तुम मेरे बारे कहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। की कहना चाहोगे डॉक्टर साहब, जिस तरीके सेवा करते आ रहे हो और गायनी के फील्ड के अज जरा प्रॉब्लम्स का आप सामना कर रहे हैं बहुत वीडी, एक आने वाले समय होर प्रॉब्लम आ रही हैगी है कि बच्चों को जन्म जरा देना अजकल दड़कियों के लिए बहुत औखा हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा कमजोर है, वो बहुत ज़्यादा बीमारियों के नाल पीसीओडी खास करके घिरिया हुई ने। की कहना चाहोगे तुम चीफ गायनेकोलॉजिस्ट हो? देखो अज का जो मेन टॉपिक है इसको ही आप अगे चलते हुए देखते हैं, मिस ट्राईसिटी 2021 ब्यूटी पर फोकस किया जाता है, तो बहुत सारी लड़कियां मैं इतने देखी जिन्होंने इन्नी मेहनत करके मतलब बहुत ही सुंदर लग रही हैं, तो इतने मेहनत करके कॉम्पीटिशन इस तरह के परफॉर्म कर रही हैं, इन चो एक क्राउन दिता जाएगा, एक बनेगी मिस ट्राई सिटी, बट आई शुड से ऑल ऑफ देम विल वर्क वेरी वेल, बट वन मैसेज आई वुड लाइक टू टेल ऑल द गर्ल्स अराउंड हूएवर इज लिसनिंग इज कि मिस ट्राई सिटी या मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स वट एवर दी टाइटल्स आर फाइन, दे आर टाइटल्स क्राउन्स दिते जाते हैं, तो बहुत ही शलाघा होंगी है जिन जिसको मिलता है, इट्स अ ऑनर इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू गेट वन, बट ऑल ऑफ यू आर प्रिंसेसेस इन योर ओन होम्स, यू रियलाइज ऑल दिस इन द आईज ऑफ योर मदर एंड फादर इन द आईज ऑफ योर पेरेंट्स, तुम सारिया मिस जो भी तुम कह सकते हो मिस यूनिवर्स सारिया मिस यूनिवर्स, उस करके क्यों थोड़े जो पेरेंट्स ने वो कि मेहनत करते हैं थोड़ी सेहत लिए पढ़ाई लिनी मेहनत करते हैं ताकि हर चीज़ मिले, तो यू शुड लुक यू शुड बी बेसिकली ब्यूटीफुल बोथ फ्रॉम इनसाइड। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट मेनली न्यूनेटोलॉजी जरा न्यूबॉर्न बच्चों का स्पेशलिस्ट है, लास्ट 18 साल तो ट्राई सिटी के बीच वी बोथ आर वर्किंग, एंड आई वुड से कि ऑनेस्टली काम करो सेवा करो उन्हें काफ़ी सुकून मिलता, पैसे तो आते जाते रहते हैं। डॉक्टर की कहना चाहोगे कि ये जो प्रैगनेंसी का गल आई वी एफ के द्वारा प्रैगनेंसी की गल है, बड़े प्रीशियस होंगे ने बच्चे जो आई वी एफ के नाल होंगे ने, और न्यूनेटल यूनिट इज मस्ट, क्योंकि जिहड़ी भी गायनेकोलॉजिस्ट होएगी अगर वो न्यूनेटल यूनिट होएगा वो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट अटैच होएगा, तुम हस्बैंड वाइफ हो और वो क्रिटिकल तो क्रिटिकल पेशेंट, क्योंकि अंदर तो ही अजक आप बच्चों जज करना शुरू कर देने हैं, और दोनों जने मिल के मतलब उन्होंने बच्चों एक जन्म तक नहीं बल्कि उन्होंने एक सेहत तक चाहते हो। बेसिकली आई वी एफ प्रैगनेंसी क्योंकि इन कॉम्प्लीकेशन होने के चांसिस ज़्यादा होंगे, प्री मैच्योर बच्चे होने के चांसिस थोड़े ज़्यादा होंगे, सैकेंडली ट्विंस होंगे रेगुलर उनके भी प्रॉब्लम्स आदि है, सो न्यूनेटल आई सी यू बैकअप बेसिकली इन्हें एक बार कंसीव हो जाते हैं तो डिलीवरी ऐसे सेंटर होनी चाहिए जितने न्यूनेटल बैकअप अच्छा होना चाहिए, अच्छा न्यूनेटल बैकअप की डेफिनेशन चेंज होंगे रही है, साडा कंसर्न हम सर्वाइवल नहीं आता, 1 किलो 800 ग्राम 700 ग्राम के बच्चे आम सर्वाइव कर रहे हैं,
ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸੇ 'ਤੇ ਕੋਂਸਟੈਂਟਲੀ ਵੀ ਕੀਪ ਔਨ ਵਰਕਿੰਗ, ਵੀ ਕੀਪ ਔਨ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਕੋਂਸਟੈਂਟਲੀ ਫੋਰ ਲਾਸਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਡਮ ਆਏ ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ? ਆਈ ਐਮ ਰੀਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹਰ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲੀ। ਨਾ ਸਰ, ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਜੈਸੇ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਆਪਨੇ ਐਕਸੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸੀ ਮੇ ਵੀ बंदे के अपने स्वभाव होते हैं और अपने एक के साथ ही उसका अपना बच्चा ही उसमें हम लोग छोड़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये बात जो है पहले दिन से क्लियर की जाती है कि जो जेनेटिक जिनका अपना पॉसिबल है बच्चा करना, तो उन्हीं के ही एग उन्हीं के स्पर्म से किया जाता है। ठीक है, जिस तरह का एम्ब्रियो बनता है वो आगे उनकी डिपेंड करता है, वो कैसी उनकी अपनी स्ट्रांग, कितना स्ट्रांग उनका गैमेट है। देखिए, जब अगर एग स्ट्रांग होगा, स्पर्म स्ट्रांग होगा, तो एम्ब्रियो अच्छा बनेगा। अगर उसमें कोई कमी है, एग में कोई कमी है या स्पर्म में कोई कमी है, लाइक उनके डीएनए में कोई कमजोरी है, तो फिर एम्ब्रियो कमज़ोर बनता है। इसीलिए फिर 100% आईवीएफ का सक्सेस रेट नहीं रहता। अगर जिनका स्ट्रांग बनता है और उनके यूट्रस की जो पकड़ है, वो लाइनिंग जो जिसको कहते हैं, ये दो चीज़ें अच्छी हैं, उस तरह के पेशेंट में काफ़ी परसेंट अच्छा चांस रहता है कि उनकी सक्सेस हो जाए। जैसे अगर हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करें, वो जो जैसे आपने अभी एक्सी विद की बात कही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है मेल इनफर्टिलिटी, क्या कारण है कि मेल इनफर्टिलिटी के? अभी भी हम यही माने कि अवेयरनेस की कमी थी तब उस समय पर, या लोग पहले अपने आप को ये मतलब जो जैसे लड़कियों को ही दुखी ठहराते थे, उनके माइंड में ये था कि नहीं केवल लेडीज़ का ही है ये काम? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, एक तो है मेल इनफर्टिलिटी के बढ़ने के चांस कह लो, कुछ तो एडिक्शंस तो हमेशा ही रहेंगी हमारे। देखो, पंजाब साइड में पहले, और जब हमारे पास पेशेंट एक पंजाब का आता है या फिर राजस्थान और हरियाणा का आता है, तो हम ये कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, तो देखते हैं कि पंजाब वालों की जो है स्पर्म एनालिसिस जो होती है, मोर्टिलिटी और काउंट्स इनफैक्ट कम होते हैं। वो मे बी बिकॉज ऑफ अभी भी जो प्रेवलेंस ऑफ एडिक्शन है, एडिक्शन में सिर्फ ड्रग्स नहीं आती, आई थिंक एल्कोहल इज ऑल्सो बिग फैक्टर। इनफैक्ट स्मोकिंग भी जो है, ये जो तीन चार और जो डाइट पैटर्न्स हैं, ये सारा टाइम बाहर का खाना या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल जो होती है मेल्स की, इनफैक्ट दीज आर द रीजन्स कि उनके काउंट्स और मोटिलिटी में काफ़ी ज़्यादा। मेंटल स्ट्रेसेस भी आते हैं इसमें, वर्क स्ट्रेस आते हैं। देखिए, अब एक साल हो गया है, काफ़ी ज़्यादा हम नोट कर रहे हैं कि जो आफ्टर कोरोना इकॉनमी में बहुत क्राइसिस आया है, पेशेंट्स की जॉब्स वगैरह चली गई हैं, तो उस करके, और कईयों को देखो वायरल इन्फेक्शन या लो ग्रेड या कुछ भी, मे बी कोविड वगैरह भी हुआ है, उस तरह के पेशेंट्स भी आए हैं जिनके पोस्ट कोविड और प्री कोविड स्पर्म जो है काउंट्स और मोर्टिलिटी में जमीन आसमान का फर्क आ गया। ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस जो हुए हैं और जो नॉर्मली पुराने मतलब टाइम से होते आ रहे हैं, उससे जो है देखो मेल इनफर्टिलिटी पे तो असर होता ही है। बाकी जो कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हैं, जिनके जैसे स्पर्म्स एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स होते हैं, जिनके स्पर्म्स बचपन से ही जैसे बाहर नहीं आते, कुछ डक्ट की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम्स होती हैं या टेस्टिस की डेवलपमेंट की प्रॉब्लम होती है, वो तो देखो हमेशा से ही रहती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि जो मेल इनफर्टिलिटी जहाँ पे आ जाती है, जो कपल है, मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा, अगर तो बहुत समझदार अगर सियाने कपल हैं, तो वो जो जल्दी से अपना इलाज करा लेते हैं, उनका देखो अच्छा रिजल्ट आ जाता है टाइम पे। बाकी जहाँ पे ये जो फैक्टर आता है, जो सोसाइटी का सोसाइटल प्रेशर, और जहाँ मेल ईगो आ जाती है, आई सॉरी टू से ये वर्ड भी है मैंने यूज़ किया, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा रहता है कि मेल अपनी रिपोर्ट को छुपा के रखते हैं। इस तरह के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास के भी काउंट्स बहुत लो हैं या इवन ज़ीरो हैं काउंट्स, तो वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, इसको नहीं बताना है, लड़की को नहीं बताना है, तो इस तरह से कोई फर्जी रिपोर्ट बना ली है या कुछ इस तरह से बता दें, उसके पेरेंट्स को ना पता चल जाए, उसको ना पता चल जाए। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये देखो जो ट्रस्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज ट्रीटमेंट इज कंसर्न। हस्बैंड वाइफ का जो आपस में ट्रस्ट होगा, जो आपस में प्रॉब्लम है, अगर वो सॉल्व खुद ही करें, तो डॉक्टर के पास आए, बहुत ज़्यादा अपनी मतलब इस चीज़ को साइकोलॉजिकल या सोसाइटल या फैमिली इशू ना बनाए, तो बेटर उनका रिजल्ट मिलने का चांस रहता है।
डॉक्टर वंदना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें हर बार की तरह इस बार भी समय दिया और हमारे दर्शकों को अवेयर किया, और जिस तरीके से आपने एक काउंसलिंग की है हमारे देखने वाले दर्शकों को भी, जो मेल दर्शक देख रहे हैं फीमेल देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं तो यही मैसेज दूंगी कि जिनके देखो बेबी नहीं है और उनके अंदर से है कि हमारा अपना बेबी होना चाहिए, तो वो ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, बिकॉज घर बैठे बैठे अगर आप नेट सर्च करते रहेंगे तो उसमें मल्टीपल कन्फ्यूजन इश्यूज रहते हैं। ठीक है, इट्स लाइक यू गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर को आप प्रॉपरली अपनी हिस्ट्री टेकिंग करवाइए, टेस्ट करवाइए, और अपने जिस तरह से भी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उनसे पूछिए, वो आपको ज़रूर बताते हैं। तो मेरे पास पेशेंट आता है, मैं उनको मल्टीपल कोर्सेज बताती हूँ कि ये बेस्ट है, ये सेकंड बेस्ट है, ये थर्ड बेस्ट है, अपनी जो भी आपकी साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल इश्यूज हैं उस तरह के सब डिस्कस करिए, और अपनी फैमिली की जिस तरह से भी आपकी वो रहती है लाइक लिमिटेशंस है, जिस तरह की भी है, अगर मनी की लिमिटेशन है उस तरह के भी इलाज होते हैं, अगर उस तरह से नहीं है तो फिर वैसे ही इलाज भी हमारे पास होते हैं। तो आप ज़रूर अपने आगे बढ़िए, इलाज कराइए, क्योंकि जैसे भगवान के घर में देर है देर नहीं, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी इस तरह से। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।